दोस्तों आज के दौर में दुनिया का हर मुल्क आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। कुछ ममालिक टेक्नोलॉजी में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ ममालिक एटॉमिक पावर में और कई ममालिक ट्रेड में आगे निकलने की कोशिश कर रहे हैं। और आजकल हर मुल्क स्पेस की दौर में सबको पीछे करके आगे निकलने की कोशिश कर रहा है। स्पेस में नासा दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी है, जिसने बहुत सारे स्पेस क्राफ्ट और इंसानों को स्पेस में भेजा है। इसके अलावा दुनिया की कई स्पेस एजेंसीज अपने और गवर्नमेंट के सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजती रहती है। इन सब चीजों को स्पेस में भेजने के लिए एक रॉकेट की जरूरत होती है, जो जमीन की ग्रेविटी को चीरता हुआ सैटेलाइट, स्पेसक्राफ्ट और इंसानों को स्पेस में लेकर जाता है। एक रॉकेट की मिनिमम स्पीड 40,000 किलोमीटर फी घंटा होनी चाहिए, तभी वो रॉकेट जमीन की ग्रेविटी को क्रॉस करके स्पेस में जाएगा। एक रॉकेट जितना बड़ा होगा उसमें ज्यादा चीजों को लोड करके स्पेस में भेजा जाएगा, और उस रॉकेट में लगा इंजन जितना पावरफुल होगा उसके जरिए ज्यादा से ज्यादा सामान को स्पेस में लेकर जाया जा सकता है। एक बात आप जान लें, एक सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजने पर अरबों डॉलर खर्च होते हैं। अगर एक रॉकेट में हम कई सैटेलाइट और इंसानों को स्पेस में भेजें, तो हमारा एक्सपेंस सिंगल चीज को स्पेस में भेजने की निस्बत काम आएगा। इस वक्त दुनिया का सबसे पावरफुल और सबसे बड़ा रॉकेट इलॉन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स के पास है, जिसका नाम स्टारशिप है, जिसकी लंबाई 120 मीटर है। इसमें 30 रॉकेट इंजन लगे हुए हैं, जो बहुत ज्यादा पावर प्रोड्यूस करते हैं। ये रॉकेट एक टाइम में 120 टन वजन को स्पेस में लेकर जा सकता है। ये रॉकेट अभी डेवलपिंग स्टेज में है, इससे बड़ा और इससे ज्यादा एडवांस रॉकेट अभी पूरी दुनिया में नहीं है। लेकिन चाइना एक ऐसा रॉकेट बना रहा है जिसके सामने इलॉन मस्क का ये रॉकेट एक मक्खी के बराबर है, जिसका साइज 800 मीटर बड़ा है, जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया। और आज की इस वीडियो में हम इसी के बारे में जानेंगे, तो पूरी वीडियो वॉच कीजिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करने के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करें। 1944 में जर्मनी ने सबसे पहला रॉकेट बनाया था, जिसका नाम V2 रॉकेट था, जिसने जमीन की कॉमन लाइन को पार किया था। वर्ल्ड वार के बाद इस रॉकेट की प्रोडक्शन को अमेरिका, सोवियत यूनियन और यूके के हवाले कर दिया गया था। तब से लेकर आज तक ये तीनों कंट्री स्पेस रॉकेट की रेस में सबसे आगे हैं। इसके अलावा चाइना और इंडिया ने भी अपने रॉकेट बनाए हैं। चाइना ने 1970 में अपने पहले सैटेलाइट को स्पेस में भेजा था। तब से लेकर आज तक चाइना ने स्पेस में 400 से ज्यादा मिशन किए हैं, जिनमें ज्यादातर लॉन्ग मार्च और चेंगचांग रॉकेट का इस्तेमाल किया गया है। लॉन्ग मार्च फैमिली में से लॉन्ग मार्च 1 को सबसे पहले लॉन्च किया गया था, जिसका साइज 20 मीटर था। इसे 1970 में लॉन्च किया गया था और चाइना ने इस रॉकेट के जरिए अपने एक सैटेलाइट को कामयाबी से स्पेस में भेजा था, और ये चाइना का सबसे पहला सैटेलाइट था जिसे 1970 में स्पेस में भेजा गया था। वो दिन चाइना की हिस्ट्री का सबसे बेहतरीन दिन था। इसके बाद लॉन्ग मार्च 2 को लॉन्च किया गया, जिसका साइज 40 मीटर था, जो 3,850 किलो वजन को आसानी से उठा सकता था। इस तरह के रॉकेट को 50 दफा लॉन्च किया गया। इसके बाद लॉन्ग मार्च 2E को लॉन्च किया गया, जिसमें दो बूस्टर भी लगे हुए थे। ये 3,500 किलो वजन को कैरी कर सकता है। इसके बाद आता है लॉन्ग मार्च 5P। ये बहुत ज्यादा एडवांस स्पेस रॉकेट है, जो 22,000 किलोग्राम वजन को कैरी कर सकता है। इसमें तो बहुत बड़े बूस्टर लगे हुए हैं। इस रॉकेट के जरिए स्पेस स्टेशन के मॉड्यूल्स को स्पेस में लेकर जाया जाता है। लॉन्ग मार्च 7 रॉकेट के जरिए एक स्पेसक्राफ्ट को स्पेस में भेजा गया था। ये रॉकेट 13,500 किलो वजन को उठा सकता है। इसके बाद है लॉन्ग मार्च 9, जो 1,50,000 किलोग्राम वजन को उठा सकता है। इसके जरिए चाइना चांद पर बनने वाले बेस स्टेशन के लिए जरूरी सामान को स्पेस में भेजेगा। इसके बाद आता है लॉन्ग मार्च 11, जो बहुत ज्यादा एडवांस रॉकेट है, जिसमें बहुत ही पावरफुल इंजन लगा हुआ है, जिसके जरिए किसी भी अजाफी बूस्टर की जरूरत नहीं पड़ती और इसमें अजाफी टैंक्स की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत कम फ्यूल कंज्यूम करता है। ये रॉकेट 68 फीट बड़ा है। इन सभी रॉकेट से ये तो साफ वाजिया हो चुका है कि चाइना स्पेस की रेस में भी कितना आगे निकल चुका है। जो इतने ज्यादा एडवांस रॉकेट बना रहा है, चाइना अपने फ्यूचर स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट और कई दूसरे प्रोजेक्ट के लिए एक न्यू स्पेस रॉकेट बना रहा है, जिसका साइज 800 मीटर है। ये दुनिया का सबसे बड़ा स्पेस रॉकेट है।
चाइना अपने बड़े से बड़े प्रोजेक्ट को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहता है, जैसे दुनिया की सबसे तेज बुलेट ट्रेन, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, रॉड्स और इसके अलावा और भी बहुत कुछ। बहुत सारे लोग इस रॉकेट को फ्यूचर रॉकेट कहते हैं, जिसकी लंबाई 800 मीटर है। इस रॉकेट में स्पेस स्टेशन में इस्तेमाल होने वाले सामान को भेजा जाएगा। इसका साइज एक स्पेस स्टेशन से कई गुना ज्यादा बड़ा है। स्पेसक्राफ्ट ने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो नासा और रशिया की बहुत बड़ी डिस्कवरी है, जिसका साइज 109 मीटर है और इसे बनाने में 150 बिलियन डॉलर का खर्चा हुआ था, लेकिन चाइना का न्यू रॉकेट का साइज 800 मीटर है। नासा को ISS को बनाने में 30 मिशन करने पड़े, लेकिन इस रॉकेट के जरिए एक ही टाइम में स्पेस स्टेशन के सभी पार्ट्स को स्पेस में भेजा जा सकता है और एक ही टाइम में स्पेस स्टेशन को बनाया जाएगा। ये सच में बहुत बड़ा स्पेस रॉकेट है। 2009 में एक रिपोर्ट पब्लिश की गई, जिसके मुताबिक 2050 तक चाइना दुनिया की सबसे बड़ी स्पेस कंपनी बन जाएगी, जो नासा से भी बड़े बड़े मिशन को स्पेस में भेजेगी। ये स्पेसक्राफ्ट इतना बड़ा है कि इसके जरिए चांद और मार्स पर इंसानों की बस्तियां बसाई जाएंगी, क्योंकि इतने बड़े रॉकेट में बहुत ज्यादा सामान और मशीन को लोड करके स्पेस में भेजा जा सकता है। स्पेस में भारी से भारी मिशन को भेजने के लिए आपको बहुत ज्यादा पावरफुल इंजन की जरूरत होती है, और इसमें दुनिया का सबसे पावरफुल इंजन लगाया गया है, जो बहुत कम फ्यूल कंज्यूम करके बहुत ज्यादा दूर तक जा सकता है। इन सब चीजों के अलावा इसमें एस्ट्रोनॉट के लिए एक रूम भी बनाया गया है, और साथ ही एक रूम ऐसा है जिसमें आर्टिफिशियल ग्रेविटी क्रिएट की गई है। ऐसे रॉकेट के जरिए आप स्पेस में बड़े से बड़े प्रोजेक्ट बना सकते हैं, और चाइना सच में ऐसा करने वाला है। इलोन मस्क का स्टारशिप भी इस रॉकेट के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्टारशिप का साइज 120 मीटर है और इस रॉकेट का साइज 800 मीटर है, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये रॉकेट कितना बड़ा है। लेकिन इलोन मस्क भी स्टारशिप 2.0 बनाने वाला है, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, और ये रॉकेट 1000 टन वजन को स्पेस में आसानी से लेकर जा सकता है। इसके अलावा इसमें ऐसे इंजन लगे हुए हैं जो बहुत कम फ्यूल को खर्च करके स्पेस में जाएंगे। यानी ये दोनों रॉकेट स्पेस टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से बदलने वाले हैं। अगर ये दोनों रॉकेट अच्छी तरह से तैयार होते हैं, तो हम दूसरे सियारों पर जाकर इंसानों की बस्तियां आसानी से बसा सकते हैं। आप इस रॉकेट के बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट्स करके बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करने के साथ साथ इसे आगे भी शेयर करें, और नीचे कमेंट्स करके ये भी बताएं कि आप नेक्स्ट किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। जिस टॉपिक पर कमेंट्स ज्यादा हुए, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल स्पेस वर्ल्ड को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं एक और अमेजिंग वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।